हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। एंड हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को, शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। तो मेरा यहाँ पूजा हो गया है, इंडिया भी बात हो रही थी, आज सबका फ़ोन आ रहा है सुबह से, तो यहाँ मैंने जल भी चढ़ा लिया। आप देख रहे होंगे बारिश हो रही है बाहर में। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ, चाय बनाऊँगी। जो चीज़ें आज मुझे बनानी है वो भी मैं निकाल लूँगी फलाहार में। तो फिर यहाँ मैंने सारे बर्तन निकाल लिए हैं, जो भी बनाना था वो भी मैंने किचन काउंटर पे रख लिया है। तो यहाँ हस्बैंड भी जल वगैरह चढ़ा चुके हैं बाहर जाके। उसके बाद फिर हम अब चाय बनाएंगे सबसे पहले, जो हमारी पहले की सुबह की चाय है। तो यहाँ आज मैंने मुझे जो बनाना है वो मैंने रख लिया है। ये मखाना है, सिंघाड़ा आटा है, मूंगफली है, घी है, आलू मैंने थोड़ा ज़्यादा उबाले हैं, आलू की सब्जी भी बनाने के लिए, और आलू को पूड़ी या पकौड़ी कुछ बनाने के लिए साथ में मिक्स करके। तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी, पहले चाय बनाऊँगी। यहाँ पर चाय में मैंने अदरक डाल दिया है, उधर मूँगफली भून दिया है। तो मूँगफली पहले घी में भुना है, पहले मखाना नहीं डाला है। पहले मखाना नहीं डालना चाहिए, नहीं तो एक साथ सारा सूख लेता है, फिर मूंगफली उतना बढ़िया रोस्ट नहीं होता। तो पहले मैंने मूंगफली भुना, उसके बाद मखाना डाला है, फिर सेंधा नमक डाल दिया है। हम लोग नॉर्मली नमक खा लेते हैं, सेंधा नमक, क्योंकि फिर वही होता है ना कि ब्लड प्रेशर वगैरह मेरा डाउन होने लगता है। तो फिर जो मैं बनाती हूँ, मैं खाती हूँ, वही हस्बैंड भी खा लेते हैं, उनकी कोई अपनी चॉइस नहीं होती है। तो ये है हमारी सुबह की पहली चाय, और आइए आप लोग भी पी लीजिए। जब व्रत होता है तो हम लोग बिना नहाए या बिना पूजा किए नहीं पीते हैं चाय, और यहाँ थोड़ी सी आज बातें भी होगी आपसे। हेलो, नमस्कार आप सभी को, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। और हमारे फैमिली की तरफ से आपको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है आज, तो सब लोग इनको विश कर दीजिए जल्दी से। आप सोच रहे होंगे कि बर्थडे तो हो चुका पहले ब्लॉग में, लेकिन रियल बर्थडे इनका आज है। वो इंग्लिश हिसाब से मना लिया जाता है 25 को, बट रियल बर्थडे आज है। तो हम लोग इंडिया में सब लोग आज ही मनाते हैं इनका बर्थडे, घर वाले। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारी तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ रहें, कुशल रहें, जहां भी रहें। तो मेरे हस्बैंड यूज्ड टू कैमरा नहीं है, इसलिए उनको नहीं पता चलता कि क्या बोलना है और क्या नहीं, तो बस बहुत ही कम बोलते हैं वो कैमरे के सामने। हेलो हेलो, नमस्कार आप सभी को, हैप्पी महाशिवरात्रि आप सभी को, और भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में, सबके जीवन में फिर सारी खुशियाँ लेकर आए, आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, और आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें। और मेरा तो चाय पीने के बाद से मेरा सर में इतना दर्द हुआ कि पूछो ना, ऐसे लग रहा था कि उल्टियाँ जैसे हो जाएंगी। तो लेटी हुई थी, अभी जाके मैं थोड़ी देर सो गई थी चाय के बाद। इंडिया से सबका फ़ोन आ रहा था, इनका बर्थडे है विश करने के लिए। मुझे नहीं पता है कि कब आया फोन, पापा का आया था, उनकी बहनों का आया था, अब मिस हो गया, मैं जान ही नहीं पाई। और वो लोग उनके मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लेकिन सबको मैं ही करती रहती हूँ, तो सब मुझे ही करते हैं वापस से फोन, तो मिस हो गया। अब चलो सबको फिर रिपीट करूँ, सबको फोन करूँ, इनको भी ड्यूटी जाना है, 12:15 बज रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ इनको फलाहार बनाकर दे दूं, तो फिर उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जाने क्या हुआ, सर में दर्द बहुत तेज हो गया, और सोच रही हूँ कि आज जो इंडिया से आया है सामान वो भी मैं आपको दिखा दूं कि क्या आया है, लेकिन थोड़ा सा पहले स्टेब्लिश हो जाऊं। सर में मेरा दर्द बहुत हो रहा है, अभी भी हो रहा है, बट मैं समझ लो आपसे बातें कर रही हूँ। और जाने क्यों होता है ऐसा कि इस बार व्रत मैं कोई सा भी रख रही हूँ, मुझे ऐसा होने लग जाता है। करवा चौथ के दिन तो वो भयंकर, मतलब सर में दर्द हुआ था कि क्या बताऊँ आपको। सब कुछ तैयार था, सब खाना वाना सब बनाया, सब किया, और जो वो शाम को जो पूजा वाला टाइम होता है उसमें
मैं रेडी तक नहीं हो पाई थी और हो रही थी वो, मतलब ऐसे ही कहीं इधर बैठना कहीं उधर बैठना, और जाने क्या क्या उतने देर में हो गया। ऐसा लग रहा था कि मुझे हॉस्पिटल अभी जाना पड़ेगा। हस्बैंड को भी मतलब एकदम से परेशान हो गए थे वो भी, लेकिन उसी में मैंने चंद्रमा जैसे जो भी पहने थी मैं उस दिन, मैंने तैयार भी नहीं हुई, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि चांद जो है उस दिन टाइम से निकल आया था। और हम इन्होंने कहा कि पानी पी लो चांद अभी नहीं निकलेगा, बहुत टाइम। हमने कहा नहीं, बैठे हैं बस, लेटे हुए थे ऐसे ही, जस्ट किसी तरीके से लेटा भी नहीं रहा जा रहा। लेकिन जब गए देखा चांद के टाइम पे, तो चांद निकला हुआ था। जल्दी से मैंने पूजा किया, खाया और लेट गई हूँ। उसके बाद तो करीब 1-1.5 घंटा मैं सोई रही, तब जाके मेरा शांत हुआ सर का दर्द। तब मैंने कुछ फलाहार उस दिन किया। तो मैं बहुत व्रत रखी हूँ बचपन से, बहुत व्रत मैंने रखा है, बहुत पूजा, बहुत पाठ, बहुत व्रत किया है, लेकिन कभी नहीं ऐसा होता। इवन ये दोनों हरतालिका तीज होता है तो उसमें मतलब पूरे 24 आवर पानी नहीं पीते हैं। वो भी मैं व्रत रखी थी, पानी भी नहीं पिया था मैंने, जबकि दो बच्चे में मतलब प्रेग्नेंट थी मैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ मुझे उस दिन। और डायबिटीज़ भी था मुझको उस समय, इंसुलिन वगैरह भी लग रहा था। उस दिन मैंने इंसुलिन भी गैप कर दिया था, नहीं लगाया था। फिर दूसरे दिन जाकर पानी पिया, लेकिन पता ही नहीं चला कि मतलब हम दो बच्चों को रखने के बाद और 24 आवर मैंने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि वो व्रत वैसे ही बहुत कठिन होता है। सबने मना किया लेकिन नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ दो तो फिर रहना नहीं चाहिए। बस इसी वजह से मैं रही, लेकिन करवा चौथ का व्रत मुझसे निभ तो गया, लेकिन जो शाम होते होते मेरी दशा हो गई पूछो ना। इसलिए मैंने, आपने देखा होगा करवा चौथ का इस बार ब्लॉग नहीं आया होगा, शायद सुबह तक का रहा होगा ब्लॉग, उसके बाद का कोई ब्लॉग नहीं आया था। तो चलो जल्दी से फिर फरहार इनको बनाकर दे देती हूँ। मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ, बेबी सो रहा जाए, नहीं चाहती कि उठ जाए वो। एक कूल हस्बैंड लेकर बैठे हुए हैं, तो जल्दी से इनको फलाहार दे दूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ वॉक चढ़ा दिया, उसमें घी डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और फिर उसके बाद टमाटर मैंने काट के रखा था वो डाल दिया, सेंधा नमक डाल दिया है कि टमाटर जल्दी गल जाए। ये थोड़ा सा मैं ऐसे ही हल्की सी लटपटी सी सब्जी बना रही हूँ। और अब यहाँ प्लान चेंज हो गया है कि केवल वो कह रहे हैं आलू बना दो, तो मैं सिर्फ आलू बनाऊँगी, पकौड़ी वगैरह पूड़ी वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी। उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो बोल रहे हैं कुछ मत करो, जस्ट केवल ऐसे ही बना दो। तो बस वो मैं केवल आलू बना दूंगी, मूंगफली के साथ उनको दे दूंगी, टिफ़िन दे दूंगी। फिर मैंने आलू डाल दिया है, और यहाँ मैंने धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर डाला है क्योंकि बच्चे तो खाएंगे नहीं, और आज प्रियंका का भी व्रत था, मैंने रखवाया था तो उसको सुबह ही बना कर दे दिया था सब कुछ। तो अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है, सो गए थे हम, हस्बैंड गए जॉब पे, उनको फलाहार वगैरह दे दिया था और हम उसके बाद सो गए। अब बच्चों को लेकर आए हैं स्कूल से और अभी जा रहे हैं। ये मैंने आलू वही ग्रेट करके रखा है, जा रही हूँ। पहले हलवा बनाऊँगी, भगवान का भोग लगाऊँगी, उसके बाद फिर देखते हैं क्या बनेगा। तो कुछ बनाएंगे, क्योंकि मैं उतना व्रत व्रत में खाने पर नहीं जोर देती ज़्यादा, तो शाम तक कुछ खा लेंगे। फिलहाल अभी तो पहले भोग लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था सर में आज दर्द इतना मेरे। अब बेटर है वैसे, दवाई नहीं खा सकते थे, बस बेटर है। और इन लोगों का जो है दूध गर्मा के दे दिया है, दूध पीने जा रहे हैं और हम बना लेते हैं कुछ। चलिए फिर जल्दी से भोग लगाते हैं पहले। हाँ, मैंने वॉक चढ़ा दिया है, वॉक में थोड़ा सा देसी घी डाला है, और उसके बाद मैंने आलू डाल दिया है। आलू को अच्छी तरीके से मैंने भून लिया है पहले, और उसके बाद इसमें 1 कप मिल्क मिलाया है। मिल्क बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन हो मिलाइए, और ये गर्म मिल्क है, ठंडा मिल्क नहीं है। और नहीं तो आप मिल्क पाउडर भी मिला सकते हैं, नहीं तो कुछ मत मिलाइए, सिर्फ आप ऐसे ही घी में आलू भून लीजिए,
चीनी मिला दीजिए, बहुत अच्छा लगता है ये। मेरी दादी मुझे बहुत खिलाती थी, तब मुझे ये अच्छा नहीं लगता था जब वो बना कर देती थी, और जब जब जो है मुझे बनाना पड़ रहा है तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ही होता है, जब आपको कोई बना कर देता है तो आप नहीं खाते हो, खासकर बचपन में। फिर अच्छी तरीके से इसको मैंने पूरा मिक्स किया है, अच्छी तरीके से भुना है। आप चाहें तो इस पॉइंट पर भी उतार सकते हैं, उसके बाद चीनी डाल के उतार दीजिए, और नहीं तो मेरी तरह इस तरीके से बिल्कुल से इसको फेंट फेंट के चलाते रहिए, जैसे आप खोया चलाते हो। और 10-15 मिनट में ये रेडी हो जाए, क्योंकि दूध मिला है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर खाली आलू बनाते हो तो ये तो विद इन 5 मिनट के 10 मिनट के से कम लगता है आलू का हलवा बनाने में। बस इस पॉइंट पर मैंने उतार दिया है, और इसको आप खीर के जैसा भी खा सकते हैं अगर इस पॉइंट से पहले उतारेंगे तो। हलवा हो चुका है, आप देख सकते हैं, कढ़ाई छोड़ दिया है, घी छोड़ दिया है बिल्कुल से। अब इसको मैं निकाल लूँगी, भगवान को भोग लगा दूँगी। थोड़ा सा मैंने अलमंड से गार्निश कर दिया है ऊपर से, और बस ये है, भगवान का भोग रेडी है। और यही बनाया था मैंने फिर शाम को। हेलो, तो चाय फलार जो भी था वो हो गया थोड़ा बहुत, और थोड़ा थोड़ा सर बेटर है। तो मैंने सोचा कि कुछ इंडिया से सामान आया था घर से, तो आपके साथ कुछ शेयर कर दूं, दिखा दूं क्या आया है। तो मेरे पापा हैं, मेरे दादा हैं, उन्होंने ही भेजा है, दादा ने भेजा है। दादा मेरे मतलब हमारे पापा के मुंह बोले भाई हैं, चाचा मेरे, तो हम सब उनको दादा कहते हैं बचपन से, तो मुंह बोले बड़े भाई हैं उनके, तो धर्म के भाई हैं। तो उन्होंने भेजा है सामान, तो हमको बहुत बचपन से वो मानते हैं, तो जब तक बेचारे 95 बरस के हो गए हैं, और जब तक जी रहे हैं तब तक याद कर लेते हैं। आज 3-4 साल से हो गया, 2017 में गए थे, उसके बाद से देखा भी नहीं है उनको ठीक से। तो चलिए तो दिखा देती हूँ उनके, जो समझ में आया बेचारे ने भेजा उन्होंने। तो इस पर तो बाद में आती हूँ, चूड़ियाँ उड़ियाँ भी भेजा है कुछ थोड़ा बहुत, तो पहले प्रियंका का दिखा देती हूँ। तो ये है जीन्स भेजा है प्रियंका के लिए उन्होंने, और आई होप उसको हो जाएगा, काफी बड़ा साइज लग रहा है ये देखिए। जीन्स है ये, अच्छा है, स्टिचिंग स्टिच वाले हैं तो शायद उसको हो जाएगा, अभी इतना भी नहीं बड़ी हुई है, हो जाना चाहिए हाइट से। तो उसका तो होली का हो गया, सबका होली का हो गया, इसका टॉप भी यही कहीं होगा। तो क्योंकि वो बढ़ गई है ना, तो वो उसका जान नहीं पाए, तो उन्होंने रैंडम साइज भेज दिया। देखो ये उन्होंने भेजा है उसके लिए, इसकी कुर्ती है ये, अभी मैंने खोली भी नहीं है, ऐसे ही जैसे आई है। चलो खोल ही देती हूँ, देखती हूँ मैं भी, देख लेती हूँ एक्सल लिखा हुआ है इस पर, क्या उसको आएगी है कि बड़ी पड़ेगी। नहीं, आ जाना चाहिए यार उसको तो। हाँ अच्छा है, तो ये उसके स्लीव्स ऐसे हैं ओपन वाले, तो आ जाना चाहिए, जीन्स के ऊपर पहन लेगी होली में, तो मुझे अब मंगाना नहीं पड़ेगा नाना के यहाँ से, उसको आ गया कपड़ा। ये देखिए, मुझे एक्सल लिखा था तो मुझे डाउट था कि पता नहीं उसे आएगा कि नहीं, लेकिन आ जाएगा। तो चलो उसका ये एक हो गया, अभी मैं वैसे रख दूंगी, बाद में सब ठीक करूंगी। फिर ये है शिवांस के लिए, ये शिवांस की जीन्स है, ये भी स्ट्रेचफुल कपड़े हैं। मुझे इंडिया के जीन्स अच्छे लगते हैं, मुझे उतने जीन्स यहाँ के नहीं अच्छे लगते। तो ये शिवांस का है, ये है उसका शर्ट, इसका शर्ट आया है, मैं खोल नहीं रही हूँ, ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। शर्ट है फुलास्तीन का, फुल स्लीव्स का, तो उसका भी हो जाएगा होली का। ये है उनके पापा का पैंट,
पैंट आया है और शर्ट है इसके साथ, दो शर्ट है, पैंट है। तो यस, ये ये ग्रे कलर में है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, ग्रे और ब्लू की और खाकी की लाइनिंग है इस पे। तो यस, खोलती नहीं मैं, बस ऐसे दिखा दे रही हूँ। तो एक आइटम ये हो गया। और ये दो शर्ट है, ये क्रीम कलर का है, क्रीम कलर के शर्ट है, अच्छे हैं कपड़े, कॉटन में है। और ये खाकी कलर में है, आई थिंक ये भी आपको क्रीम ही लग रहा होगा, लेकिन ये है खाकी कलर में, लाइट खाकी, डार्क वाला नहीं। तो दो शर्ट उनके हैं, उनके दामाद जी के। और अच्छा, उसके बाद बेबी के हैं, ये बेबी के हैं, इसमें ट्राउजर है, अंदर पैंट और टी शर्ट है। ये फुल पैजामी है, ये थोड़ा मोटे से उसमें है, बहुत मोटा वाला कपड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, गर्मी आने ही वाला है, उसमें काम आएगा पहनेगा। तो यस, एक ये है, सेम वैसे ही है, बस दूसरा कलर है, ये पजामी और ये टी शर्ट साथ में। ओके, इन लोगों के हो गए। और ये एक पेटीकोट भेज दिया है उन्होंने, ये लाइट येलो कलर का है, ये किसी साड़ी पर आ जाएगा मेरे, वैसे ये जो साड़ी भेजा है इस पर तो नहीं कलर पे आएगा, लेकिन आ जाएगा किसी पे, मेरे पास ऐसे भी है। ये कुछ एक्स्ट्रा ब्लाउजेज हैं बनवा के भेजे हैं, ये राउंड उस पर हाफ स्लीव्स पे, तो ये इसकी साड़ी मेरे पास है, तो ये तो उस पर चली जाएगी। और साइज ये उनके पास मेरी पुरानी थी, भगवान जाने आएगी कि नहीं, मैंने नापा नहीं है, साइज ये पुरानी थी मेरे पास, उसी साइज की भेजे हैं। जस्ट सिंपल सा गला है ये, पीछे का गोल गला। मैं ऐसे ही सिंपल गले वाले पहनती हूँ, डिजाइन वाले बहुत ज्यादा मैंने नहीं अब तक बनवाए हैं, पहले बनवाया था शादी के टाइम, बाद में शादी के भी कपड़े बनवाए थे डिजाइन के, लेकिन उसका जब से साड़ियां वगैरह उतना पहनते नहीं है, तो डिजाइन विजाइन देखना मैंने छोड़ दिया। बस थोड़ा सूट पे ध्यान देती हूँ कि सूट की गले की डिजाइन अच्छी हो, जिस पर अच्छा जाने वाला होता है, बनवा लेती हूँ। तो ये है हुक है आगे से, और पीछे से गोल गला है, और इतनी स्लीव्स है, होपफुली आ जाना चाहिए। मेरी पुरानी टेलर है, उससे उन्होंने बनवाया है, अब तब के साइज अब के साइज में अंतर है ना, लेकिन पता नहीं मार्जिन वार्जिन रख कर बनवाया होगा, तब तो मैं खोल लूंगी। ये एक रेड में है, तो ये भी किसी ना किसी साड़ी पर आ ही जाएगी, या वैसे भी इसको आप किसी भी साड़ी पर पहन सकते हो, रेड है चल जाएगा। एक ये है ब्लू कलर में, ये और इसका भी इसकी भी साड़ी मेरे पास है, ब्लाउज उसका मैंने रख रखा है, तो ये उस पर जाएगा ब्लू कलर की साड़ी पे। ओके, फिर एक साड़ी है मेरे, ये सी ब्लू में है, तो यस ये भी कलर अच्छा है। और ये जो है पक्के गोल सितारे उतारे लगे हुए हैं, सब चारों तरफ से ऐसे है। बॉर्डर अभी मैंने खोली नहीं, खोलना भी नहीं चाहती, मेरे जान का काम बढ़ जाएगा। और एक आंचल, इसका ये आंचल ही है, ये आंचल की डिजाइन है,
हाँ ये आंचल की डिजाइन है, तो ये ब्लू है, मुझे लग रहा है कि ये ग्रीन है ऐसे देखने में, लेकिन ये ब्लू कलर है। इसका भी ब्लाउज सिंपल सा है, प्लेन। ये इस पर एक छोटा सा बॉर्डर बना है, पीछे इसमें कुछ डिजाइन या बॉर्डर नहीं है, प्लेन ही है। तो ये हो गया, अब उनको बेचारे को जो समझ में आया ये कुछ ऐसे सिंपल सी घर की साड़ियां भेज दिए हैं, जस्ट कभी कभार अपना हल्की फुल्की पहनने की मन हो जैसे तो आप पहन सकते हो। तो यस, ये इस तरीके से है। इसका बॉर्डर फॉल वॉल लगवा के भेजे हैं, ये देखिए सब में फॉल पीको सब में हो रखा है, मुझे कुछ यहाँ कराना ना पड़े, तो फॉल वॉल उन्होंने लगवा दिया है मेरे दादा ने जब तक चले जी रहे हैं। बस आंचल इसका, इस पर भी देखिए गोटे बने हुए हैं सितारे जैसे, जो कढ़ाई वाले होते हैं। अच्छी खासी हैवी मतलब लग रही है ये, तो फुल साड़ी ये भी होगी। और एक और है, जॉर्जेट में है ये, शिफॉन जैसी, शिफॉन जॉर्जेट जो भी होता है, मुझे उतने कपड़ों की क्वालिटी नहीं पता है, सच्ची मुझे नहीं मालूम। जो मिल रहा है अच्छा है, कंफर्ट होना चाहिए, चुभने वाला नहीं होना चाहिए, हमें सब पसंद होता है। ये भी साड़ी अच्छी लग रही है, घर में पहनने वाली है, हल्की फुल्की पूजा पाठ में अपना पहन लिया। इसके बाद एक साड़ी ये भेजी है, इसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से है। इसका ब्लाउज ऐसे आएगा, ब्लाउज इसके अंदर है, ब्लाउज उन्होंने नहीं सिलवाया क्योंकि थोड़ी डिजाइन उजाइन सोचे कि नए मॉडल की, और सब पे ये गोटा लगा हुआ है, सिर्फ चौड़े बॉर्डर की है, रेड कलर की है, प्योर सुर्ख रेड में है ये। ये जो मॉडल बनी हुई है ये आप देख लीजिए, ये पूरी साड़ी इसी तरीके से है। तो ये हो गई, एक ये है पिंक, ये लाइट पिंक, बेबी पिंक तरीके से। उठ गया बेबी। तो ये एक ये है लास्ट ब्लाउज, इसका भी इसी में है, ले आओ उसको बेबी को, क्यों रो रहा है। ये छोटे छोटे हैंकी भेजे हैं उन्होंने, ये रुमाल जैसे टॉवल जैसे हैं छोटे छोटे। उसके बाद बनियान है बच्चों के, सॉक्स हैं, ये सॉक्स ऐसे ही और भी हैं। लो क्या हुआ, सेम बेबी ओके ओके, कुछ नहीं उठ गया बाबू, छूना उठ गया, छूना उठ गया, फोटो देखने का मन गया। ओके चलो, फिर जो सबसे फेवरेट चीज है मेरी वो क्या है ना, चूड़ियां, ये देखिए वो कितने इंतजाम से बीच में ऐसे लगा के भेजी है उन्होंने, ये देखिए कि कहीं ये हीले तो टूटे ना, तो भी इसमें एक आठ चूड़ी मुझे टूटी ही मिली थी, सब कांच की है, कांच की है ये पूरी। तो ये पिंक रानी कलर की है, और रानी कलर की इसमें कोई साड़ी नहीं है, लेकिन रानी कलर की उन्होंने चूड़ियां भेज दी है। चलो कोई नहीं, पहन जाएगी। और एक है, हाँ इस कलर का तो ब्लाउज भेजा है, तो इस कलर की साड़ी भी है ही है मेरे पास। ये व्हाइट है, ब्लू है, और पता नहीं आपको कैसे दिख रहा होगा। अच्छी ये भी कांच की है सब, क्यों आपको दिखा ही दूं ऐसे निकाल के ना। मैं भी दिखाना उखाना नहीं जानती कैसे दिखाना चाहिए, ये देखिए। अच्छी ये, मुझे इसका कंगन बहुत अच्छा लगा, लहंगा भी है मेरे पास मिलता जुलता इस कलर का।
चलो इंडिया अब जाना ही है, इतना सारा फालतू में भेज दिया उन्होंने, मुझे नहीं पता था कि कुछ आ रहा है, मुझसे बताया भी नहीं किसी ने। अब जब भेज दिया तो बोला कि अरे कर्थन वगैरह उसमें नहीं रखा, भूल गए रखना। तो बुजुर्ग हैं उनको कहाँ इतना याद होगा, ये औरतों का सामान उनको कहाँ याद होगा। फिर कुछ ये बिंदियां भेजी हैं, ये एक बिंदी का पत्ता है, ये कुछ छोटी बिंदियां हैं, कैसे दिख रहा होगा आपको, ये इसमें मल्टी कलर में है, कई कलर में है। और ये इस तरीके की बिंदियां हैं, ये इसमें भी मल्टी कलर है सारे बिंदियां, ये कुछ लंबे में है, ये पिंक कलर में है, पता नहीं आपको कैसा दिख रहा होगा, ये कुछ लंबी बिंदियां हैं मल्टी कलर में। मैं गोल ज्यादा लगाती हूँ, मैं लंबी नहीं लगती, क्योंकि मेरा फेस राउंड है तो मुझे जो है लंबी बिंदी नहीं अच्छी लगती है मेरे फेस पे, तो मेरे फेस पे गोल अच्छी लगती है राउंड वाली। तो ये सिंदूर भेजा है, एक एक ऐसे में है, एक ऐसे है सिंदूर, और एक ये है, ये जो है कहीं ये धरने उठाने में कहीं पटकने पुटकने में बैग वैग टूट गया है, इसका ये नीचे का ये निकल गया है। तो या बस, तो यही इतना सामान था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं क्या आया है। यही आया था मेरे मायके से। तो यस, आई थिंक आपको सब पसंद आया हो सामान, मुझे तो बहुत पसंद आया, उसके साथ ढेर सारा प्यार आया है, और अभी फीलिंग होती है कि चलो कुछ तो है अभी मायके में। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, अब तक अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए और अपनी फैमिली के साथ रहिए, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना कर लिया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके, और एक लाइक ज़रूर दे दिया करिए प्लीज़। आप लोग वीडियो तो देखते हो, वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो थोड़ा सा, मेहनत थोड़ी ना लगना है, जस्ट उस पर जाकर क्लिक कर देना है थम्स अप पे। यस ओके, चलिए फिर अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय शोना, बाय बाय।